न्यू hey वीडियो okay, so ये क्राइस्ट लवासा का कैंपस टूर सो so, देखो काफी क्राइस्ट के कैंपस में मैंने खुद कवर किए थे ये एक्चुअली uh, वीडियो इज शॉर्ट बाय ऑफ द स्टूडेंट जो अभी क्राइस्ट में ही uh, लाइक लवासा कैंपस में ही स्टडिंग so, उसने शूट किया थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह शूज आए हैं बट प्लीज मैनेज मैं आपको वॉइस ऑवर वगैरह दूंगा बताऊँगा क्या कैसे है तो या ओके वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट गाइज बिफोर स्टार्टिंग आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आप सबके लिए गाइज आर लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन एमबीए बीबीए फ्री एमबीए डिग्री सो मैं आपको डी वाई पार्टिल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा तो, आप में से काफी लोग के पास लाइक like, बजट नहीं होता है लाइक ऑफलाइन कंप्लीट करने का अच्छे कॉलेज से या फिर कोई भी आपको जॉब वगैरह करनी होती है डिफिकल्टीज आती है तो ऑनलाइन डिग्री इज अ रियली गुड ऑप्शन अगर आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है एंड कम बजट है तो सो अगर मैं बात करूँ डी वाई पार्टिल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में तो यू कैन स्टडी वेन एवर वेयर

एन ए ए सी ए प्लस प्लस एक्डियटेड यूनिवर्सिटी सो उसमें तो आपको कोई चिंता ही नहीं है ए प्लस प्लस है तो सो या डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आप उधर उसे फुल करो एंड डी वाई पाटिल जो ऑनलाइन है वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगी फॉर मोर डिटेल क्या प्रोसेस है एवरीथिंग के लिए सो गाइस दिस इज द एंट्रेंस क्राइस लवासा का देखो भैया लवासा पुणे के आगे जाते हैं हिली एरिया में तो कैंपस तो बड़ा ही सुंदर है मतलब बहुत ही हिल्स वगैरह दिखती है आपकी ग्रीनरी है क्लाउड्स वगैरह अच्छे दिखते हैं बहुत प्यारा कैंपस है बारिश के टाइम भी बहुत अच्छा रहता है बट ऑब्वियसली बारिश बहुत होती है दिक्कत भी होती है थोड़ी बहुत कैंपस बहुत सुंदर है बड़ा है क्योंकि स्पेस बहुत है ऑब्वियसली बैंगलोर वगैरह के कैंपस में स्पेस इतनी नहीं है एरिया कम है बट इधर तो स्पेस ही स्पेस है बहुत सारे कैफ बहुत सारे कैफेज हैं फिर आपके प्ले ग्राउंड वगैरह का भी एरिया है आपको बास्कट कोर्ट वगैरह भी आगे दिखेगा ये सेंट्रल ब्लॉक है तो सेंट्रल ब्लॉक में आप एंटर करोगे तो आपको ऑफिस वगैरह दिखता है पहले तो एंड देन आपका बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी है जहाँ पे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है तो आप अपना बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो फ्रेंड्स के साथ इसके साथ ही साथ एक स्टोर भी है जहाँ पे आपको कुछ भी मतलब बिल्कुल ही साइड में है बैडमिंटन कोर्ट के अगर आपको कुछ भी खाने पीने का लेना है स्नैक्स वगैरह लेना है उस चीज के लिए है एंड और भी जैसे स्टोर्स वगैरह तो सिर्फ एक ये नहीं और भी है मतलब दो तीन आपको जो आगे दिखेंगे बढ़िया दिख रहा है इसमें आपका सब कुछ मिलेगा आपको कुछ भी लाइक कैंपस स्टोर है बेसिकली आपको कुछ भी खाना पीना है वर्कआउट वगैरह 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 ड्रिंक्स इवन नॉर्मल कोई बॉटल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टेशनरी वगैरह भी सो इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए फिर आपका एक ये कैफे है इनसाइड कैफे आप बोल सकते हो टेबल रही है uh, दो तीन आउटडोर कैफे थे एंड दो तीन आपका इंडोर कैफे मैं दोनों मिला के बोल रहा हूँ एक मैनेजमेंट ब्लॉक एंड सेंटर ब्लॉक दोनों मिला के तो या इट इज लाइक दैट बाकी फिर लाइब्रेरी है लाइब्रेरी भी काफी बड़ी है सफिशियंट है ऐसा नहीं कि छोटी सी है बड़ी तो है बट uh, हाँ जितना बड़ा कैंपस है उसके हिसाब से मुझे लगा लाइब्रेरी थोड़ी सी छोटी थी बट एर नॉट बैड ऑब्वियसली जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने तो थे ही ऑनली स्टूडेंट्स लाइब्रेरी पर इतना ध्यान नहीं देते हैं बाई सलेक्टिंग कॉलेज इट इज वॉट इट इज फिर ये अगेन बाहर का एक कैफे जो आपका बाहर बना हुआ है एंड मेन चीज मुझे अच्छी लगती है कि क्या सराउंडिंग मतलब मजा आएगा जब पहाड़ में बैठे हो पढ़ रहे हो तो यार नाइस फीलिंग वाइब अच्छी है वेदर वगैरह भी अच्छा रहता है इसलिए बाकी तो फिर क्लासरूम वगैरह की बात करूँ क्लासरूम वगैरह भी अच्छे हैं ए सी आपका नहीं है डोंट एक्सपेक्ट ए सी आपको क्राइस के किसी भी कैंपस में नहीं होता है इसलिए ए सी वगैरह एक्सपेक्ट मत करना वो अटेंडेंस का पूछ रहे थे तो अटेंडेंस का बता दूँ काफी स्ट्रिक्ट है एटी फाइव परसेंट मेंटेन करनी है उससे कम गई तो आपको मेडिकल वगैरह देना पड़ेगा एंड उसमें भी बहुत कंडीशन होती हैं एंड ज्यादा आप कुछ नहीं जस्टिफाई कर पाए तो आपको डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा निकाल दिया मतलब डिबार कर देंगे आपका एक ईयर वेस्ट हो गई होगा सो या इट्स लाइक दैट बाकी अब आगे मैं बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह बताता हूँ बास्केटबॉल कोर्ट काफी बड़ा है मुझे इनका बास्केट कोर्ट तो बहुत ज्यादा प्यारा लगा क्योंकि वेल बिल्ट है अच्छा है किसी को खेलना है जहाँ मजा आएगा एंड बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ आपका टेनिस कोर्ट भी है फिर आपका वॉलीबॉल कोर्ट भी है एंड एक अच्छी चीज है कि भैया पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं तो खेलने में बहुत क्रेजी मजा आता है एंड सिटिंग एरिया वगैरह की तो कोई कमी नहीं है बहुत सारे सिटिंग एरियाज हैं तो या दैट्स गुड एंड आपका देखो टेनिस कोर्ट दिख रहा है फिर आपका वॉलीबॉल कोर्ट है जहाँ पे स्टूडेंट लाइक खेल रहे हैं एंड फिर आपका क्रिकेट पिच वगैरह भी है तो या वो भी चीजें हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो कैंपस बहुत तगड़ा बना हुआ है लाइक इसकी तरह नहीं है ऑब्वियसली तो या वो वो वही बात होगी ना मेन सिटी आपको मिल सकती है मुंबई वगैरह या फिर आपको अच्छा कैंपस चाहिए तो जितने भी आपको अच्छे कैंपस दिखेंगे किसी भी कॉलेज के किसी भी फील्ड इंजीनियरिंग वगैरह भी तो वो आउटडोर मतलब सिटी से थोड़ा दूर बने रहते हैं इधर गाइज ये मैनेजमेंट ब्लॉक की एंट्री है इधर आपका बीबीए एम बी ए इन सब की क्लासेस होती है मेन एंड ये भी काफी सुंदर बन रखा है अभी आपको पूरा दिखेगा एंड जिम वगैरह इधर है स्पेसिफिकली एंड अगेन कैफे वगैरह तो इधर भी है बट ये आप देख रहे होगी पूरे कैंपस में एक बेस्ट चीज है कि पेड़ पौधे ग्रीनरी तो लाइक आ इको फ्रेंडली कैंपस आप बोल सकते हो नॉट बैड फिर आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह है इधर एडमिन ब्लॉक कह सकते हो आप वो है फिर इसमें आपको इनसाइड कैंपस में एटीएम भी मिलेगा तो आपको अपना पैसे विदड्रॉ वगैरह करवाने अकाउंट बनाने तो आप वो सब भी कर सकते हो बोला जाता है मैं सुना है कि मैंडेटरी है करना तो यार लाइक इफ़ यू आर इंटर क्राइस्ट लवासा तो आपको ये करना पड़ेगा फिर हम मेन कैंपस की साइड जाते हैं तो आपका बीच का एरिया सिटिंग एरिया है लाइक पूरा कैंपस साइड में आपको दिख रहा रहता है ऊपर से नीचे से एंड ये मिडिल सिटिंग एरिया था तो अगेन सिटिंग एरिया तो बहुत सारा है क्योंकि कैंपस इतना ह्यूज है इतना मतलब सिम्बायोसिस भी इतना ह्यूज नहीं था ऑनेस्टली तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ह्यूज है हाँ बाकी अगेन ये एक और कैफ़े आया जहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब चिल वगैरह करते हैं क्लासेस के पास है ये कैफ़े सो या गुड थिंग बाकी ऑडिटोरियम की बात करूँ ऑडिटोरियम भी लाइक like सफिशियंट बड़ा है ऐसा नहीं छोटा है सिटिंग कैपेसिटी वगैरह भी उसकी अच्छी है एंड या इधर सारे फंक्शन इवेंट्स वगैरह होते हैं आगे देखो ये ऊपर से व्यू है तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मतलब कैंपस आप भी देखो कि पूरा आपको पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं क्लाउड्स वगैरह क्रेजी व्यू आ रहा था बाकी इनका वन ऑफ द मेन कैफे है मेन मतलब अगर आपको अच्छे से खाना थोड़ा अच्छा कैफे चाहिए या गेटिंग ना वाइब डेट वगैरह जाने का इधर जा सकते हो वैसी वाई इस वैस कैफे की सो या गुड इनफ एंड कैफे कह लो या फिर इधर ज़्यादा आपको uh, सामान वगैरह मिलता है मेनली तो आप उधर से खरीद सकते हो सो या दैट द थिंग बट गाइस ओवरऑल बोलूँ मुझे कैंपस तो बहुत अच्छा लगा बट अगेन वैल्यू इसकी कम है क्राइस लवासा की तो ऑब्वियसली क्राइस बैंगलोर शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस फिर आपका लवासा आना चाहिए सिर्फ कैंपस के के बेसिस पे तो आप लोग ही नहीं ना कॉलेज बाकी ये जिम है कैंपस के अंदर ही तो जिम भी काफ़ी बड़ा था मतलब सच बताओ तो, नॉर्मल जिम्स होते हैं सिटीज़ में उससे भी बड़ा था लाइक काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह बहुत सारे थे ट्रेडमेंट्स वगैरह भी साइकिल वगैरह भी बहुत सारी थी ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी बना दिया है अच्छा था नॉट बैड मतलब